बात ही ये हमेशा की तरह भाई, सुबह सुबह का सनराइज कितना ही तगड़ा लगता है भाई। जब भी सनराइज पे निकलता हूँ तो ये सनराइज हमेशा देखने को मिलता है। और उधर शाम जो है बाइक पे खड़ा हो गया है देखने के लिए कि भाई यहाँ से दिख रहा है बस आस पास दिखने वाले नहीं, मतलब एरोप्लेन को देखते हैं हम लोग को बस उड़ते हुए अभी कहाँ दिख जाएगा जब अभी उड़ा है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है अंशुन, आपका वेलकम है मेरे नए ब्लॉग में। और भाई देख सकते हो सुबह का करेक्ट 6 बज रहा है, एकदम शार्प 6 AM हो रहा है भाई। और हम निकल चुके हैं एक और संडे राइड के लिए, तो जानते हो भाई अपना हर शक्ति है बट संडे राइड नहीं मिस हो सकती है। तो भाई निकले हैं और फिलहाल भाई आज मैं राइडिंग जैकेट नहीं पहना हूँ, मन नहीं कर रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब वो रहा था कि आप नहीं पहन रहे, तो मैंने कहा चलो ठीक है और ग्लव्स पहन लिए, बाकी राइडिंग शूज पहन लिए हैं और बैग वगैरह अपने साथ रहता ही है। तो ऐप का ये देख रहे हो तो अपने रखा आते तो। और भाई जो मैंने नया बैग लिया है मतलब एक बैग वो मैं आज कैरी कर रहा हूँ उसके साथ, ये सब आपको मिरर में दिख रहा होगा मेरे को भाई मैं दिख रहा है, तो मैं दिख रहा था आज मैं फोन से अभी ब्लॉग बनाऊंगा तो आप देख लेना। बाकी ये हमेशा की तरह भाई सुबह सुबह का सनराइज कितना ही तगड़ा लगता है भाई, जब भी सनराइज पे निकलता हूँ तो ये सनराइज हमेशा देखने को मिलता है और भाई दिल खुश हो जाता है कभी। तो छोटी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बड़ी होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस अभी फिलहाल पहुँच गए फन मॉल पे और देख सकते हो अपना सैम भाई आ चुका है और एक ये दीपक भाई है और ये मानस भाई को उठा लाए वहाँ से पलवंजे से और ये 390 आज ज्वाइन हुई भाई। और बाकी सामने जो भाई व्यू चेक करो यार कितना प्यारा लग रहा है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है ये देखो, ये भाई सनराइज बड़ा प्यारा हो रहा है यार। तो भाई पहुंच गए हैं पहली बार चौराहे से देख सकते हो ये, और यहाँ से अपने 2 बाइकर और मिल जाएंगे तो अपने साथ 5 बाइकें हो जाएंगी। और ये कुछ सीन है भाई सुबह सुबह, और कहें तो भाई ठंडा लग रहा था यार जो बात सच है सुबह सुबह टाइम में, तो यही है। और शाम जो है आगे निकल गया, शाम और रास्ते वाले आगे निकल गए भाई, तो कोई नहीं फ़ोन करके वापस बुला रहे हैं हम लोग और फिर चलते हैं भाई। और हम लोग को जाना है भाई आज कानपुर रोड पे, और मैंने ही वो ढाबा मतलब रिसर्च करके निकाला है अपने रिसर्च में उसको ढूंढा है, तो यही सीन है फिलहाल। और आपको दिखाते हैं ढाबा कैसा क्या सीन होता है, वहीं पर चल के पता चलेगा भाई। तो भाई लोग अभी कानपुर रोड पर आ चुके हैं हम लोग फाइनली, और भाई ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भाई एयरपोर्ट है अमौसी, भाई अभी एक मतलब एरोप्लेन निकला भाई ऐसे मतलब टेक ऑफ करते हुए तो बड़ा प्यारा लगता था, मैं कैमरा ऑन नहीं था इस वजह से आपको ना हो पाए। अब कोई नहीं अभी फिलहाल चलते हैं, और उधर शाम जो है बाइक पे खड़ा हो गया है देखने के लिए कि भाई यहाँ से दिख रहा है बस आस पास दिखने वाले नहीं, मतलब एरोप्लेन तो देखते हैं हम लोग को बस उड़ते हुए अभी कहाँ दिख जाएगा जब अभी उड़ा है यार, जल्दी जल्दी तो उड़ने उड़ जाएगा तो यही थी ना। और चलते हैं यहाँ से अभी, हमको लग रहा है 25 किलोमीटर और रह गया होगा अपने को ढाबा, तो चलते हैं वहाँ पर आपको। तो भाई लोग आ चुके हैं ढाबे में और जहाँ हम लोग पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचे क्योंकि वो 10 बजे ओपन होगा भाई ढाबा, और हम लोग ने कहा भाई इतना दूर फालतू में क्या करेंगे फालतू जाके, जब 10 बजे खुलेगा वो हम लोग आए। अभी टाइम कितना हो रहा है टाइम बताओ, 7:30 भाई 7:30 बजे हम लोग यहाँ आ चुके हैं और देख सकते हो भाई चाय और समोसा अपना आ चुका है, भाई लोग ये बैठे हुए हैं। क्या हुआ पुल बहुत जल्द बनेगा, ये पुल बनेगा भाई आने वाली सदी में बन जाएगा, लेकिन लखनऊ में क्या वो नहीं बन पा रहा है, लखनऊ में लखनऊ में वो नहीं बन पा रहा है वो लाल वाली बिल्डिंग, लाल वाली बिल्डिंग रेनेसा के पीछे डेनिस के सामने पुल नहीं बन पा रहा है, हाँ वो नहीं बन पा रहा है, लेकिन लेकिन वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन बड़ा इमाम बाड़ा नहीं बन पा रहा है वो बन गया, अभी बन गया बन गया फिर से बंद हो गया फिर से भाई यही हो रहा है। और फिलहाल चाय में पीते हैं मस्त एकदम, उसके बाद बताते हैं क्या सीन है। अपनी चार ब्यूटीज बाहर खड़ी हुई हैं, चारुक चारुक नहीं दिखेंगे आपको बट उधर ये खड़ी हुई है देख लो भाई, तो पीते हैं भाई और ये बताना कैसा लग रहा है भाई बताना। तो भाई लोग अभी फिलहाल हो चुकी है रात और भाई आ चुके हैं भाई स्काई लाइन, बाकी बात बाकी हाँ देख लो स्काई लाइन पे आ चुके हैं, ये अपना भाई आ चुका है हिमांशु भाई ब्लॉग में अपना कर दो। तो हेलो गाइस एवरीवन, ठीक है अब ये ब्लॉग यहाँ पे एंड हो रहा है ना कि स्टार्ट हो रहा है, तो भाई आज मैं संडे राइड नहीं जा पाया था क्योंकि ऑफिस भी जाना था और ये लोग हमने बोला था भाई 5 बजे चलो मैं चलने के लिए रेडी हूँ, ये लोग भैया बोल रहे नहीं भाई नहीं हो पाएगा 6 बजे से पहले नहीं हो पाएगा,
तो भाई मेरी गलती नहीं है क्योंकि मुझे 8:30 बजे 8:29 पे ऑफिस पहुंचना रहता है, तो भाई मैं इसलिए नहीं जा पाया। और इन दो हाँ बताओ रीजन ये है कि भाई जब कोई आता ही नहीं इतनी जल्दी तो भाई क्या कर सकते, हम तो भाई 4 बजे तैयार 3 बजे तैयार है, चलो जब कोई नहीं आता। भाई मैं रेडी था, ऐसी बात नहीं है, मैं उठ गया था टाइम से, बट वही है कि भाई ऑफिस जाना था तो इसीलिए नहीं। अब कल होली है, कल होली एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट संडे डेट कितनी है? डेट नहीं यार, जब पड़ेगी बट जब भी हो अबे तो भाई डेट पता नहीं है, बट नेक्स्ट संडे शायद, वरना अगले मंथ। वरना अगले मंथ ओके ओके नो ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट संडे भी डेट नहीं पता है, अगर डेट कन्फर्म हो जाए तो मैं हाँ कर भी दूँ, तो इसीलिए अगले मंथ तो डन है, तो अगले मंथ मिलते हैं और तबाही करते हैं। हाँ थोड़ी सी तबाही करते हैं क्योंकि मैं व्लॉगिंग अब करना छोड़ दिया हूँ, तो थोड़ा भूल जा रहा हूँ कि बोलना क्या है, उसके लिए सॉरी दो भैया। पहले भाई अपना भाई भी ब्लॉगर था और अब जैसा कि आपने देखा व्लॉग इसने जितने भी देर किया 1-2 मिनट जो भी है, तो भाई बहुत बढ़िया बोलता है मतलब। तो भाई लोग थोड़ा मतलब ये इस टॉपिक में बात कर लिया जाए क्या कि कोई आ नहीं रहा है राइट्स पे आजकल? सो व्हाट्स योर ओपिनियन ब्रो? भाई इधर सुन लो भाई, जो ग्रुप में ऐड है भाई कम से कम आना नहीं हुआ करे, या तो फिर देखो अगर ग्रुप के मैसेज सीन करके छोड़ दो यार, सीन भी कुछ लोग नहीं करते तो भाई लीव जो कोई फायदा नहीं जो हम लोग का पर्सनल ग्रुप। उसके बाद हम लोग मैसेज भी करते भाई जिसको चलना हो चलो, तो भाई कोई चलने के लिए रेडी भी नहीं होता है, बाकी रैंडम बंदे कहते हैं भाई हमें बुला लेना, तो भाई ग्रुप में होने से फायदा क्या है, कोई फायदा जिस बंदे को ना आना हुआ करे तो मेरी बात है लोगों को बुरी लग जाएंगी पर मुझे फर्क नहीं पड़ेगी, बनने दो भाई जो हो रहा है होने दो। वही तुम्हारा देर हो जाता है, मैं ठीक ही कहा तुम फिर आते जल्दी आते हमें शैतान घर, ऐसी बात नहीं है बट जो है ऑफिस का लेट हो जाता है, जेन्युइन बोल रहे हैं क्या बोल रहे हो, जो बंदे हमारे ग्रुप में हैं राइट करते हैं वो मैसेज सीन करके बोल देते हैं, तो वो समझ जाओ तुम डैश 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 ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ वैसा इशू नहीं है, बट ये है कि यार भाई एक ही संडे पड़ता है भाई, एक संडे तो मिल लिया करो यार। हम लोग तो देखो मैं सैम और 2-4 बंदे हैं मेरे ऐसे जो मैं डेली मिलता हूँ भाई उन लोगों से, और भाई अभी मिल ही रहे हैं देखो आज संडे राइट हुई बट शाम को मिल रहे हैं, मतलब शाम का मिलना कन्फर्म है। बाइक्स अपनी ये पार्क है देख लो, ये दो इधर हैं और एक अपनी शॉटगन उधर है, ये इधर कैंडी खड़ी है आज। तो बात ये है ना कि नहीं आते हो तो दिल से बुरा लगता है, और दिल क्या बता अब मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं। राइट पे आना सीरियस होता है भाई, मतलब हाँ तो भाई राइट पे मतलब राइट पे आना सीरियस है भाई, अगली बार से पूरी कोशिश करना भाई सब लोग आने की, और जिसको भाई जो नए बंदे जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं अगर लखनऊ में राइड करना चाहते हो मेरे साथ, तो भाई इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो, फॉलो कर लो भाई, अंशु मोटर ब्लॉग नाम से आईडी है, तो जाके फॉलो करो डीएम करो भाई, जिसको भी ज्वाइन करना हो भाई मैं अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा भाई आप सबको, और भाई सवाई बजाते हैं फिर। क्या हाल है भाई? हाल चाल बढ़िया है। कहाँ पे हो अभी? हम लोग हैं गोमती नगर मरीन ड्राइव। सो चेकआउट गाइस, हम लोग आ चुके थे यहाँ पे मरीन ड्राइव पे, और चाय फिर से ले लिया भाई, वहाँ बैठे फिर वहाँ से मन भर गया, तो यही सीन है। अब इस ब्लॉग को ये पेंट करते हो, पता है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, चलते हैं बाय बाय, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा ब्लॉग में, तो मिलते हैं किसी बढ़िया न्यू ब्लॉग में।